दिल्ली के शाही दरबार में बादशाह सलामत के सामने वह हिंदू धर्म का प्रतीक क्षत्रिय राजपूत पृथ्वी सिंह भरी सभा के अंदर किरणमयी के पतवीरता धर्म का बखान करता है। बड़े गौर से सुनने की रागणी और रागणी को लिखने वाले पिंगल के हिंदुस्तान के जो पिंगल के बहुत ही श्रोमणी कवि स्वर्गीय गुरु जयकरण गुर्जर जी की रागनी लिखी हुई है। मैं चाहूंगा आज वो अच्छी जगह है, उनकी आत्मा स्वर्ग में झूल रही है, उस महान कवि के लिए एक बार जोरदार तालियों से मान सम्मान देंगे। आइए, क्या लिख दिया और क्या बता दिया, आइए। पतिव्रता के गुने और खोल सुना दूं सारे और ये जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन लो न्यारे न्यारे जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन लो न्यारे न्यारे किरणमयी पतिव्रता के गुण किरणमयी पतिव्रता के गुण खोल सुना दूं सारे जितने गुण क्रिया में चाहिए चाहिए वो सुन लो न्यारे न्यारे जितने गुण त्रिया में होने चाहिए वो सारे गुण मेरी अकेली पतिव्रता रानी किरणमयी के अंदर हैं। कि भाई कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से गुण है रानी के अंदर बोल के बता, आइए क्या बता। ससुर की पहली रात दिन दाम समझ के करती हो अपना कर्तव्य नेम टेम आराम समझ के करती हो भजन राम का सुबह शाम वो काम समझ के करती हो काम समझ के करती हो भवसागर से पार हुई रे भवसागर से
रेशमी मैडम अमरपुरा से 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करती हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। आदरणीय गांव थनवास के सरपंच महोदय श्री सेवाराम जी, वो भी 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान कर रहे हैं। सरपंच साहब का जोरदार तालियों से मान सम्मान हो, जोरदार तालियों से। पृथ्वी सिंह ने बताया कि भाई पहला गुण साजन की सेवा, ये पत्रता के नए मेहर धर्म है कि पहला गुण साजन की सेवा राम समझ के करती हो और सास ससुर की टहल रात दिन धाम समझ के करती हो। और बताया कि भाई अपना कर्तव्य नेम टेम कि अपना कर्तव्य नेम टेम आराम समझ के करती हो और भजन राम का सुबह शाम जो काम समझ के करती हो। और भव सागर ते पार हुई जिन्हें इतने लक्षण धारे और वही किरणमयी पतिव्रता के गुण खोल सुना दू सारे। अगर कोई आदमी घर पे नहीं है, क्योंकि आदमी बाहर का कमेरा होता है, अगर आदमी घर पे नहीं है और औरत घर पे है तो औरत घर की शोभा है, घर की मालिक है और घर की गृह लक्ष्मी है, घर को औरत चलाती है। मर्द तो बाहर से कमा के पटक दे, तू जाने तेरा काम जाने। अगर मर्द के पास है तो औरत के पास कोई मंगता भिखारी पुजारी कोई साधु सन्यासी अगर भिक्षा के लिए आ जा तो पतिव्रता का क्या धर्म होया करे कि क्या होया करे। सुनो मैं बताऊं क्या होया करे। नहीं तो हाथ जोड़ समझावे, ये पतिव्रता का नियम धर्म होता है। और बताया कि वो पतिव्रता वीर नहीं जो धक्के मार भगावे, बेकारी साधु मंगता को वो वीर पतिव्रता नहीं होती जो घर से धक्के देके भगावे, क्योंकि आत्मा से परमात्मा की मिल जा श्राप की मिल जा बुरा श्राप आत्मा जो साधु की दुख पावे। कहते हैं कि साधुओं की वाणी में वरदान होता है, जिसे साधु आशीर्वाद दे दे परमात्मा की ताकत नहीं है कि उसे टाल दे, वो परमात्मा को करना पड़ेगा, क्योंकि ये साधु संत परमात्मा के विसर रहा कर, ये तो उसी के नाम पर खाना पानी रहना सोना पीना उठना ओढ़ना बिछाना सब परमात्मा के नाम पर रहा करें। आइए तीसरी कड़ी के माध्यम से बताया कि एक और खासियत पतिव्रता की है कि क्या कि कब सोना चाहिए कब उठना चाहिए और कौन कौन से काम करके सोना चाहिए और सुबह उठते ही पतिव्रता क्या क्रिया करें कि क्या क्रिया करें। ये तो सारे आम औरत करती होंगी कि ना, आम औरत नहीं क्रिया करें, ये तो गुणी वो जाने जो पतिव्रता होती है।
आम औरत के बच्ची बस ठीक होने है सारी बातें करनी। आइए क्या बताया तीसरी गली मर के लग गए बोला जी थनवा से जो लड़के के बड़े भाई हैं इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई राजेश जी के लिए जोरदार तालियां। बता दिया कि जो पतिव्रता होती है उनका क्या नियम होता है कि सबसे पहले उठे सोमती। पतिव्रता वो नहीं होती जब जी ना भोलू के पापा आप उठ लिए हाँ उठ लिया तो एक काम करो क्या है दो कप चाय बना लो एक अपनी एक मेरे लिए वो पतिव्रता नहीं होती। पतिव्रता वो होती है जो सबसे पहले उठती हो अपने सास ससुर के चरण छुए अपने पति के चरण छुए और फिर अपने घर के धंधे को लग जा कि सबसे पहले उठे सोमती धंधे सिर लग जावे और नेम टेम ते व्रत करे सासू के पैर दबावे कि जलन ईर्ष्या पेज करे ना जो घर में ना छोटे देवरते जलती हो छोटी ननद हो उसको लाड करती हो उसको प्यार करती हो वो पतिव्रता होती है कि जलन ईर्ष्या पेज करे ना ना कुल को दाग लगावे और मंदी बोले ये भी पतिव्रता का गुण है कि मंदी बोले चले सहज में पाछे खाना खावे। ये तीन गुण भी पतिव्रता के बताए हैं जो अपनी आवाज को बड़े बुजुर्गों की कानों तक ना जाने देती हो वो पतिव्रता कहलाती है। पहले हमारे यहाँ दादा परदादा बुजुर्ग बैठे हैं पूरी उम्र लिकर जाती थी बड़िया का मुंह नहीं देखा करते थे भाई किसा मुंह है किसा नाक नक्शा पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे होंगे यहाँ जिन्होंने अपने लड़के की बहू अपने पोते की बहू की आवाज अपने कानों में नहीं सुनी होगी कि किसी आवाज बैठे होंगे दो चार हैं जरूर क्योंकि पहले बड़े आदर और मान सम्मान थे अब तो ब्याहते पहले ही बहू ने जब देखने आएंगे बाप न्यारा जाओगा जेठ न्यारा जाओगा हाँ बताएंगे सही सखी सहेली
किशोरी या तेरा पापा, यू ना कहेंगे या तेरा ससुर, या तेरा पापा, हाँ पापा जी नमस्ते, या तेरा जेठ, भाई साहब नमस्ते। देखो कैसा जमाना आ गया, थोड़े ही समय में कितना जमाना बदल गया। और चौथी और आखिरी गली में वो पृथ्वी सिंह, क्या भेद खोलता है और क्या बातें बताता है। पति वरता